हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग स्टैटिक जीके का सेट नंबर 8 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फाउंड इन अशोक इंस्क्रिप्शन। अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी मिलती है हमें, और यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लाइफ स्टोरी, इंटरनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, ये जितने आप पॉलिसी देख रहे हैं ये सारे जो हैं आपको मिलते हैं किससे, अशोक के शिलालेखों से इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बहादुर शाह द रूलर ऑफ गुजरात वॉज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बहादुर शाह गुजरात का शासक निम्नलिखित में से किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था। बहुत इंटरनल क्वेश्चन पूछ दिया इसमें, बट कोई बात नहीं है। बहादुर शाह गुजरात का शासक निम्नलिखित में से किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था, पोर्तुगीज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और आयरन की प्रचुरता है। विच पार्ट ऑफ द अर्थ हैज द एबंडेंस ऑफ निकल एंड आयरन, और यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निफे, यानी कि Ni4 होता है आपका निकेल और Fe स्टैंड फॉर आपका आयरन हो जाएगा, ठीक है। तो 3 आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला है। कोंकण कोस्ट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर, एंड व्हाट इज द राइट आंसर। कोंकण कोस्ट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर, एंड द राइट आंसर इज दमन टू गोवा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली, ठीक है। किसका पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। अब यहाँ देखिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु एकदम सही है, ओडिसी उड़ीसा एकदम करेक्ट है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एकदम करेक्ट है, बट कथकली कर्नाटक में नहीं है, कथकली केरला में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि चाइना हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा है, और चीन का किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है, और द करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम इग्निटेशन टेम्परेचर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम प्रज्वलन तापमान होता है, तो न्यूनतम प्रज्वलन तापमान किसका होता है, एंड द राइट आंसर इज पेट्रोल का सबसे कम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्स इंडियन पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 368 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस पार्ट में आपको डील होता है यूनियन टेरिटरीज का। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, तो वो कौन सा पार्ट है, एंड द राइट आंसर इज पार्ट 8 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम अर्निंग इन रेलवे, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारतीय रेलवे का, तो भारतीय रेलवे को जो सबसे ज्यादा अर्निंग होता है वो किस चीजों से होता है, यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किससे इनकम होता है भारतीय रेलवे को, यस आपका यहाँ हो जाएगा गुड्स ट्रैफिक अर्निंग, जो है माल जो सामान इधर उधर ढुलाई होता है उससे सबसे ज्यादा इनकम मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेफर टू एज द स्टार्टिंग सोर्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ड रुद्रा। निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र शब्द के शुरुआती स्रोत के रूप में जाना जाता है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका करेक्ट, कि निम्नलिखित में से किस वेद को रुद्र शब्द के शुरुआती स्रोत के रूप में जाना जाता है, ऋग्वेदा आपका राइट आंसर है, ठीक है, ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लाइन ऑफ कैंसर जो है ये कितने स्टेट से होके पास करता है। द लाइन ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो भारत के कुल 8 स्टेट से होकर लाइन ऑफ कैंसर पास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि गुरु नानक देव जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, व्हेन वाज गुरु नानक देव बॉर्न, एंड द राइट आंसर इज 1469 AD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड,
ठीक है, तो मानव शरीर के किस अंग में वसा पूरी तरह से पचता है? तो फैट कहां पर कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है? ये हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन वाज, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन के पहले चेयरमैन कौन है? और पहले डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन के चेयरमैन है जी वी राम कृष्णा, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्मॉलर प्लैनेट दैन साइज ऑफ द अर्थ, अर्थ से छोटा कौन दो प्लैनेट है? और यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेनस एंड मार्स, ठीक है, वेनस और मार्स जो है ये दोनों अगर हम साइज की बात करें तो अर्थ से छोटा है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, सबसे छोटा कोस्ट लाइन भारत के किस राज्य का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, और यहां पर करेक्ट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच प्लेस इज नॉट एसोसिएटेड विद गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा से जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट और फेमस प्लेस हैं, उनमें से कौन एक नहीं है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पावापुरी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, सारनाथ जहां पे शरमन दिए थे पहली बार बोल गया, जहां पर वो इंटाइटल लिए हुए थे, और कुशीनगर जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, पावापुरी जो है ये वहां का जगह नहीं है, इससे अशोक से जुड़ा हुआ जगह नहीं है। ठीक है, उसके बाद है किशन गंगा प्रोजेक्ट इज अ मेजर रीजन फॉर कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच विवाद का एक मुख्य कारण है? और यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यस, पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑफिशियल कैपिटल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का ऑफिशियल कैपिटल नेम का नाम आपको बताना है। श्रीलंका का ऑफिशियल नेम जो है वो है श्री जयवर्धने पूरा, जो है आपका करेक्ट आंसर है। हालांकि श्रीलंका का कैपिटल कोलंबो और ये दोनों हैं, बट अगर ऑफिशियल कैपिटल की यहाँ पर मेंशन की गई है तो श्री जयवर्धने पूरा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज द स्लोगन ऑफ द साइमन कमीशन बायकॉट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का नारा दिया गया था? और ये हो जाएगा आपका कौन सा? एंड द करेक्ट आंसर इज मद्रास सेशन 1927 आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ थ्री कंसेंट्रिक लेयर, ठीक है, तो वो आपको बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकेंड लेयर ऑफ द अर्थ थ्री कंसेंट्रिक लेयर, और यहां हो जाएगा आपका सीमा। ठीक है, सिलिकॉन मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाउ डिड द लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ ग्रुप ओरिजिनेट, ठीक है, तो कैसे लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप ओरिजिनेट हुआ है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोरल ओरिजिन जो है आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हेन वाज पाकिस्तान कैपिटल इस्लामाबाद वाज बिल्ट, ठीक है, तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, ये कब घोषित किया गया था? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1960 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 1960। उसके बाद हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया, ठीक है, कौन अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया को? और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर ऑफ स्टेट आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, सितारा देवी इज एसोसिएटेड विथ, तो ये जो सितारा देवी है ये एसोसिएटेड है कथक डांस से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, एयर एक्सपेंड, एयर कब एक्सपेंड करता है? एयर एक्सपेंड तब करता है जब उसको हीट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज, द स्लोप ऑफ आर टाइम ग्राफ सोर्स, जो स्लोप जो ग्राफ होता है उसमें जो गिरान का एक संभाव दिखता है आपको, स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम का, उसको हम क्या समझें एक तरह से, ये होता है स्पीड। ठीक है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ सोर्स स्पीड। क्वेश्चन नंबर 29 कि नेशनल पंचायती राज डे ये कब ऑब्जर्व होता है,
नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व कब होता है? 24 अप्रैल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कि वेयर इज सांची स्तूपा लोकेटेड। तो सांची स्तूपा जो है ये कहाँ लोकेटेड है, और ये तो इसका आंसर तो सबका करेक्ट ही है, मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इस सेट में 30 क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ठीक है, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना, और आज मेरे हिसाब से क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा था, तो इसीलिए कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है कि हार्ड सेट में आपका क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।